हेलो विवान स्वागत है आपका सभी का इंडिया वर्सेस आयरलैंड के पहले मुकाबले में विराट कोहली का एवरेज है सिर्फ फोर एंड हाफ का इस टीम के सामने तो कैसे करेंगे वो इस मुकाबले में ऑल्सो अगर आपने साउथ अफ्रीका श्रीलंका वाला गेम देखा तो आपको पता ही है ये पिच ने कैसे बिहेव किया है तो क्या हम कोई ट्विस्ट उस चीज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे एंड ये सबके पहले इंश्योर किए एक लाख रुपए का अवे माई मास्ट लेवल ने खोला है अभी अभी देख सकते हो आप कुछ ही स्पॉट्स भरे हैं तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री कॉन्टेस्ट है कुछ नहीं करना आपको खाली जाके ज्वाइन कर लेना है तो अभी के अभी जाके कर लीजिए एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम

बिग गिव अवे जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था गिव अवे भी मैंने आपको दिखाया था स्टार्ट तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए एंड ओपिनियन ट्रेडिंग आप खेल सकते हो ऑन रियल इलेवन माई मार्च इलेवन एक्सचेंज रेंट पे नो लॉस लीक चल रहा है एंड रुपीज हंड्रेड रियल कैश आपको मिलेगा जैसे आप साइन अप कर लेंगे रियल कैश मतलब बोनस वगैरह नहीं आप जाके डायरेक्टली वो कैश यूज कर सकते हो अपने कॉन्टेस्ट या राधा वहां पे प्लेयर्स

कवर हो जाता है वो है अगर आप लॉस में जाते हो आई नो आप में से ज्यादातर यहाँ पे प्रो प्लेयर्स बैठे हो बट अगर आप लॉस में जाते हो तो भी टू तो सर्टेन अमाउंट वो चीज वहां पे कवर हो जाती है मैंने पूरा इस चीज को टेलीग्राम पे समझाया हुआ है तो आप जाके टेलीग्राम पे इस चीज को देख सकते हैं हमारा जो पहला वीडियो था ऑफ द वर्ल्ड कप उसमें भी इसको मैंने डिटेल में समझाया तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं अब चलते हैं टैक्टिकल कॉर्नर की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम टू वेरी इंटरेस्टिंग टीम ऑन वेरी इंटरेस्टिंग कंडीशन एंड फॉर इंडिया रोहित

हैरी टेक्टर लॉक टकर जो बहुत अच्छे फॉर्म में कर्टिस स्कैम जॉर्ज जॉकर गैरिट डिलेनी एंड मार्क है Camfer, Dockrell, तो बहुत अच्छी इनकी भी बैटिंग लाइनअप स्पेशली जो मिडल एंड फिनिशिंग ऑर्डर काफी ठीक ठाक इंडिया की बोलिंग की बात की जाए तो सिराज और अर्जदीप में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फॉर टू स्टार्टअप अब इनकी बोलिंग अटैक काफी स्ट्रांग है हमने देखा ये कंडीशन में कुछ पंजी बाउंड अनइवन बाउंस साथ साथ में थोड़ा टू पेस भी रह रहा है ये ट्रैक एंड आउटफील्ड है बहुत ही ज्यादा स्लो सो फेवर्ड हो सकता है एंड मार्क ये वो सेक्शन है जहां पे आपके लिए गेम बदल सकता है जहां आपको डिफरेंश मिल सकते हैं अगर आपको लगता है कि जॉर्स लिटल एंड मार्केटर स्पेशली अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो कंडीशन का पूरा फायदा उठा सकते हैं एंड सामने कौन है सामने रोहित और विराट तो अगर आपको लग रहा है कि वहां पे एक विकेट जल्दी निकल जाए तो आपका वो जो एक स्लॉट वहां पे खाली होगा प्लेयर, प्लेयर अगर वो दिन पर चल गया, the you, क्योंकि आप ऑन द स्पॉट कंडीशन के बेसिस पे ले लो तो इट कैन बी योर डे एंड अगर आयरलैंड का कोई बेस्ट चांस है टू तो टेक विकेट्स इट बी एट दि जॉर्ज लिटल एंड मार्क डेयर मिडल ओवर्स में क्रेग यंग जिनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है बैरी में कार्डी कर्ट इस गैर डिलेनी एंडली डेथ में बैरी एंड डेथ में स्ट्रगल करते हैं फिर भी ठीक ठाक थोड़े इंटरेस्टिंग गेम एंड प्लेयर कार्ड से यहाँ पे आप क्या अलग कर सकते हो रिमेम्बर ज्वाइनर्स ए रेट फैंटेसी क्रिक्रॉन ट्विटर एंड टेलीग्राम फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स आपको वही पे मिलेंगी एंड अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिए एंड कॉमेंट जरूर करिए कॉमेंट्स में जस्ट फॉर फैन प्रोडिक्ट आप क्या लगता है कितने रन बनाएंगे आज विराट कोहली इज द गोल्डन प्लेयर फॉर द डे ऑफ कोर्स वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो क्लियर वेदर एक्सपेक्टेड फॉर दिस गेम पे एक पूरा मुकाबला देखने को मिलना चाहिए अब आते हैं फॉर मी टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन ऑफ दिस स्पेसिफिक होगा पिच रिपोर्ट एक ड्रॉप इन पिच हमने देखी जहां पे थोड़ा सा स्पंजी एंड स्टीप स्टीव बाउंस्टन इंडिया वर्सेज बांग्लादेश गेम ओवरनाइट मॉइस्टर की वजह से लैटरल मूवमेंट भी थी एंड साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका होगी यहाँ बिकॉज ऑफ द सेम बट क्योंकि सिर्फ सेवनटी एटी रन भी इतने मुश्किल से बने बहुत ही लाइकली बात है कि पिच क्यूरेटर्स आईसीसी सब पैनिक मोड में जाके कुछ यहाँ पे कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे सो लेट्स सी कि क्या होता है पिच रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा क्रुशल होगा इस गेम में एक चीज जो हमने देखी कि पे जो घास के लेयर्स थे बहुत ही ज्यादा थिक थे तो अगर आप जाके देखोगे नहीं कर रहे हैं, जो है, जब वो कर रहे हैं तो वहीं पे अटक जा रहे बॉल प्लग हो रहा है सो लेट सी में क्या कुछ बदलाव यहाँ पे आता है क्योंकि नहीं आता इट कैन बी अ बोलर गेम अगेन सो प्लीज वॉच आउट फॉर पिच रिपोर्ट दैट विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ द गेम चलते हैं आगे की तरफ इंडिया की प्लेइंग इलेवन की बात की जाए तो रोहित विराट ऋषभ पंत मुझे लग रहा है खेलेंगे फिर शिवम दुबे हार्दिक पांड्या रविंद्र जडेजा अर्षदीप कुलदीप मोहम्मद सिराज एंड जसप्रीत बुमरा वन यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने की चाह रखते हैं आई थिंक यहाँ पे सिराजी खेलना चाहिए वेल आयरलैंड की बात की जाए तो स्टर्लिंग जैसे हम प्रीवियस प्रिव्यूज में भी करते आ रहे हैं हम जो वीक टीम है उसके ज्यादातर इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं उन्होंने के तो वो पांच छह इंपोर्टेंट प्लेयर्स आयरलैंड एंड अफकोर्स फ्रॉम इंडिया हम पूरी टीम डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके आठ से नौ प्लेयर वहीं से आएंगे सो लेट गैरेंट टू इट स्टेट विथ टीम इंडिया सो फर्स्ट आप रोहित शर्मा एंड अफकोर्स वन ऑफ द ग्रेट्स इन टी ट्वेंटीज एंड वर्सेज आयरलैंड अच्छा रिकॉर्ड इनका थ्री मैचेस में वन फोर्टी नाइन रन एड एस एड एन एवरेज हो सेवेंटी फोर तो अच्छे खास नंबर्स फॉर्म इनका कुछ खास नहीं रहा थ्रू आउट दी आईपीएल थोड़ा अप एंड डाउन चले एंड पिच एवरी प्लेयर मैंने यहाँ पे न्यूट्रल साइन ही लगाया हुआ है क्योंकि वी डू नॉट नो वट द पिच विल है इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पे जजमेंट करने की कोशिश नहीं करूंगा बट अगर पिच लास्ट गेम जैसा हुआ तो ज्यादातर बैटर स्ट्रगल करेंगे स्पेशली जो ऊपर आते हैं क्योंकि अप फ्रंट आपको मूवमेंट भी फेस करना पड़ेगा एंड साथ, साथ, साथ में अनइवन बाउंस भी मिडल ओवर्स में मूवमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है सो इट मेक्स इट स्लाइटली इजी फॉर द बैटर्स सो रोहित शर्मा का वो मैचअप बिल्कुल रहेगा इन फ्रंट ऑफ जॉर्स लिटल एंड मार्क का डेर अप्रंट हेल्प में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिर चलते हैं आगे की तरफ विराट कोहली ऑफ कोर्स वेरी क्लासी बैटर एंड अब पे प्रॉब्ली ओपनिंग करेंगे फॉर द टीम दो मैच में सिर्फ रन है आयरलैंड के सामने इनके बट आई थिंक कि जिस तरीके ये क्रिकेट ये खेलते हैं अगर स्टार्टिंग में हेल्प भी हुई प्रॉब्लली ऐसे टाइप के प्लेयर है जो खेल के निकाल लेंगे एंड फिर बाद में अपनी एक्सलरेशन ये करेंगे तो इवन इफ दो आई थिंक ये मेरी टीम में डेफिनेटली रहेंगे प्रॉब्लम ये बात हो जाएगी कैप्टन वाइस कैप्टन पे चांस नहीं लेंगे इनपे क्योंकि अपफ्रंट वो हेल्प मिल सकती है प्रैक्टिस मैच में भी सबसे अच्छी बैटिंग इन्होंने की तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक है प्लस आपको कीपिंग से भी वैल्यू मिलेगी क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कीपर्स काफी एक्टिव रहेंगे इस गेम में सो आई थिंक ऋषभ पंत शुड बी अ गुड पिक इन दिस वन सूर्य कुमार यादव इनका लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने मैचअप हमने काफी बार डिस्कस किया आईपीएल भी हमने वो मैचअप को एक्टिवेट करते हुए देखा वर्सेस आयरलैंड दो मैच में सिर्फ पंद्रह रन इनके एंड आयरलैंड के पास भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जॉर्ज टॉकरिल ये उनके सामने तो नहीं आउट हुए पहले बट ये आउट हो चुके हैं पहले इन फ्रंट ऑफ क्रेग यंग एंड सो लेट्स सी अगर वो मैचअप्स पे फिर से एक्टिवेट होते हैं नहीं आईपीएल में इनका फॉर्म काफी अच्छा था सो वी कैन एक्सपेक्ट गुड थिंग्स में बट जैसे मैंने कहा पिच रिपोर्ट काफी चीजें यहाँ पे अनसर्टिन कर देती है हमारे लिए शिवम दुबे मिडल ऑर्डर बैटर पहला हाफ इनका आईपीएल का बहुत ही ज्यादा अच्छा था सेकंड हाफ में पूरी तरीके से टेपर डाउन हो गए एक मैच खेला इन फ्रंट ऑफ आयरलैंड 22 टू एंड uh, दो इनिंग्स में बोलिंग भी की है बट कभी भी उन्होंने विकेट नहीं लिया इन फ्रंट ऑफ दिस टीम अब जिस टाइप की कंडीशन है प्रॉब्ली तो इनके बैटिंग का मौका आएगा स्पिन काफी अच्छा खेलते हैं तो वहां पे ये कुछ इम्पैक्ट कर सकते हैं बट क्योंकि इतने सारे बोलिंग ऑप्शन इंपॉर्टेंट होंगे इन दिस गेम अभी के लिए हम होल्डिंग ऑन टू पिकिंग है हार्दिक पांड्या फोर मैचेस आयरलैंड एंड टू विकेट जो यहाँ पे नहीं लिखी बट मुझे island, याद वो है pitches, यहां पे अलग होंगे बट ऑफ कोर्स अच्छे प्लेयर है एंड आपको बैट एंड बॉल दोनों से वैल्यू मिलती है सो बिकम्स रियली गुड कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस रविंद्र जडेजा आयरलैंड के सामने नहीं खेले पहले आईपीएल में फॉर्म थोड़ा डाउन चला इनका एंड अफकोर्स गन फील्डर है यहाँ पे हमने देखा कि थोड़ा लो बाउंस भी हो सकता है जिसका लो बाउंस का अगर कोई सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो तो रविंद्र जडेजा क्योंकि इतना स्पिन पर नहीं रिलाई करते बट क्योंकि वो इतने पेस के साथ डालते हैं बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक विद एनी सॉर्ट ऑफ अन ईवन बाउंस तो वहां पे इनका रोल बिल्कुल आ सकता है विद द बॉल एंड सेकेंड इनिंग्स में डालते हैं तो और भी आप इन्हें कंसिडर करिएगा इस कैप्टन वाइस कैप्टन कुलदीप यादव एक और प्लेयर टू वॉच आउट क्योंकि बॉल एकदम फ्लाइट करते हैं एंड वहां से यहाँ पे कम बाउंस एक बॉल ज्यादा बाउंस पूरा आयलैंड को यहाँ पे ट्रिक कर सकते हैं एक फोर फॉर एंड एक थ्री फॉर दो मैच में ले चुके हैं फ्रंट ऑफ आयरलैंड बिफोर सो हिल बी वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर स्पेशली अगर कंडीशन पहली जैसी यहाँ पे रही फिर चलते हैं मोहम्मद सिराज की तरफ वापस एक और बोलर जो अप्रंट मूवमेंट का बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं अर्षदीप सिंह के साथ उस फेज में काफी डेंजरस रह सकते हैं ये ऐसे टाइप के बोलर हैं कि जिस टाइप की लेंथ ये हिट करते हैं गुड लेंथ वहां से कुछ बॉल्स नेचुरली ही नीचे रहती है तो यहाँ पे लेट्स ये इनका कैसा रोल रहता है क्योंकि काफी स्टम्प टू स्टम्प डालते हैं सो डोंट रूल आउट टू फोर और थ्री फोर ऑन सच अ पिच अर्षदीप सिंह ज्यादा फुल डालते हैं एंड ज्यादा इनका काम प्रॉब्लम डेथ में आएगा विद जसप्रीत बुमराह लेट्स किस टाइप का रोल इन्हें मिलता है फ्रॉम द टीम मैनेजमेंट वर्सेस आयरलैंड दो मैच में दो विकेट से ले चुके हैं पहले जसप्रीत बुमराह का भी बहुत अच्छे नंबर है तीन मैच में छह विकेट्स वर्सेज आयरलैंड प्लस ये भी होंगे एक रियली गुड कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस चाहे पहले बोलिंग करे सेकेंड काफी अच्छे नंबर्स इनकी एंड काफी अच्छे मैचअप्स भी इन फ्रंट ऑफ टीम अब चलते हैं टीम आयरलैंड की तरफ एंड समझते हैं इनके कौन से की प्लेयर्स होंगे मेरे हिसाब से एक होंगे हैरी टेक्टर वायल फॉर्म इनका खास नहीं रहा अच्छा है so खेल रहे हैं आज कल कर टू मैचेस फिफ्टी सेवन रन इंडिया के सामने पहले बोलिंग नहीं की इन्होंने बट इनकी जिस टाइप की बोलिंग है इन द मिडल ओवर ये जब बॉल थोड़ा सा अप एंड रहता है सबसे ज्यादा फेवर ऐसे ही बोलर्स को मिलता है सो आई थिंक उस फेज में डेंजरस हो सकते हैं, इफ गिव्स यू 20 runs, 15, 20 15, विद अ बैट एंड वन विकेट तो आपका काम वहां पे बन जाता है सो डेफिनेटली रोटेट हिम इन योर ग्रैंड लीग टीम्स

क्या पता पंद्रह बीस रन जल्दी आ जाए फिर से क्रेग यंग चार मैच में सात विकेट वर्सेस इंडिया अच्छा खासा परेशान किया इंडिया को पहले एंड ग्रैंड लीग में एक दो टीम में तो डेफिनेटली आप इन्हें कैप्टन ट्राई कर सकते हैं ऑफ कोर्स इनकी नेचुरल लेंथ ऐसी है जो इस पिच पे काफी काम आ सकती है बट इतना पेस नहीं है इनके पास फाइनल प्लेयर यहाँ पे होंगे जॉस लिटिल बहुत ही अग्रेसिव बॉलर है एंड रोहित शर्मा का जो लेफ्ट आर्म पेस वाला मैचअप है वो हम जानते ही हैं सो दिस का टाइप के कंडीशन में बिल्कुल यहाँ पे अच्छे खासे काम आ सकते है तो ये हुई आज के हमारे प्लेयर की डिस्कशन अब डिस्कस करते हैं हमारी आज की फैंटेसी टीम एंड फैंटेसी टीम के पहले कुछ इंटरेस्टिंग मैचअप्स की बात की जाए एंडी वेलबोर्नी जसप्रीत बुमराह के सामने एक बार आउट हुए सेवेंटी वन की स्ट्राइक रेट यहाँ पे यशस्वी जयवाल क्रेग यंग को दो बार आउट हुए बट ऑफकोर्स अनलाइकली टू प्ले इन दिस वन वाइल सूर्य कुमार यादव एक बॉल में एक बार आउट हुए टू क्रेग यंग सो नॉट टू मच ऑफ सैम्पल साइज इन टर्म्स ऑफ डेटा बट जस्ट गुड टू नो कि ये मैचअप्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे अब बनाते हैं आज तो अगर आपने प्लेयर कार्ड्स का सेक्शन ध्यान से देख लिया तो आई थिंक ये टीम का जो सेक्शन है एक ही मिनट में हो जाएगा तो जल्दी से पिक कर लेते हैं हमारे प्लेयर्स कीपिंग सेक्शन में से ऋषभ पंत होंगे कीपिक लॉक इन टकर का फॉर्म अच्छा रहे ग्रैंड लीग में जरूर इन्हें रोटेट करेगा बैटिंग सेक्शन में से विराट कोहली विल बी वन स्ट्रेट फॉर पिक सूर्य कुमार यादव विल बी अनाधर

मैं ना मिस करूँ यहाँ पे तो ये हुए आज के हमारे पिक्स एंड जल्दी से आप डिस्कस कर लेते हैं आज के हमारे ग्रैंड लीग ऑप्शन तो ग्रैंड लीग ऑप्शन की यहाँ पे बात की जाए तो सम इंटरेस्टिंग पिक्स फॉर यू लो सिलेक्ट डार्क हॉर्स पिक होंगे कर्टिस अगर पहले बॉलिंग होती है फॉर आयलैंड तो वन बिटवीन क्रेग यंग बैरी मेकार कैन ऑल्सो बी गुड पिक्स हाई सेलेक्ट ड्रॉपलेस बॉम हो सकते हैं रोहित शर्मा क्यों मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं ऐसा नहीं है ये कोई सेफ ड्रॉप है बहुत ज्यादा रिस्क है इनको ड्रॉप करने में क्योंकि बहुत अच्छे नंबर रहे हैं इनके इन फ्रंट ऑफ आईलैंड बैटिंग फर्स्ट बोलिंग सेकेंड आई थिंक जडेज एंड कुलदीप विल बी रेली गुड ग्रैंडली ऑप्शन सीवीसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे बैटिंग सेकेंड बोलिंग फर्स्ट लिटिल एंड सिराज एंड दोनों सिचुएशन में कोहली अर्दीप बुमरा एंड हार्दिक पांड्या होंगे अच्छी चॉइसिस तो ये रहे हमारे आज के पिक्स आई होप आप सभी को ये प्रिव्यू पसंद आया हो अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर हिट करिए कमेंट जरूर करिए एंड बताइए कि और क्या देखना चाहते हैं आप ये कॉन्टेंट में एंड लाइक ऑलवेज टू प्ले वाइजली एंड इन्वेस्ट वाइजली एंड जॉइन अस एट द रेट फैंटे क्रिक ट्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स आपको वहीं वही मिलेंगी जल्दी मिलेंगे एक और प्रिव्यू के लिए थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग एन